किसी ने हनुमान जी से पूछा, आपकी इतनी महिमा का बखान श्री राम जी कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? देखो, हनुमान जी के पास जुगति है। क्या है? बोलो बोलो, क्या है? जुगति। और इसका वर्णन भी सुंदर कांड में आया, जुगत विभीषण सकल सुनाई। हनुमान जी के पास है जुगत। जुगत माने क्या होता है बोलो? हम लोग गांव में कहते ना, इनके पास जुगत बहुत, उपाय, तरह तरह के उपाय। हनुमान जी के पास तरह तरह के उपाय। जैसे एक ठैया बड़ा मलेरा का हमारा चेला है चंगीलाल। चंगीलाल का शरीर एकदम कमजोर, डेढ़ हड्डी का चंगीलाल, सूखा बांस की तरह। इतना कमजोर था चंगीलाल के उसे एक्सरे की जरूरत ही नहीं, डॉक्टर कपड़ा उतार कर ऊपर से ही नसें देख लेते थे कि कहां पे दिक्कत। इतना कमजोर चंगीलाल भारी बड़े पहलवान को, मोटे पहलवान को पछाड़ देता। तो किसी ने कहा कि भाई चंगीलाल, ये तुम्हारे पास दाव पेंच कैसे आने? बड़े बड़े पहलवान जिनसे कोई हाथ मिलाने को डरता है, तुम उनको चित्त कर देते हो, बेहोश कर देते हो, दो दो दिन नहीं उठते, तबीयतें खराब हो जाती पहलवानों। आखिर तुम ऐसा जानते क्या हो? चंगीलाल के पास भी जुगत ऐसी। बड़ा मलेरा का आदमी जुगत में आगे होता है। तो चंगीलाल बड़ा मलेरा का आदमी बोला, दरअसल हम लड़ते थोड़ी हैं। बोले फिर करते क्या? बोले हम 6 महीना नहाते ही नहीं है। तो बोले होता क्या? बोले जब हम लड़ने जाते हैं, शरीर से इतनी दुर्गंध आती है, पहलवान अपने आप चित्त गिर जाता है। बताओ, नहाते ही नहीं है, और 6 माह कोई नहाए ना तो शरीर की दशा समझो। और बोले पर हाथ मिलाने आएगा? बोले हाथ मिलाते ही बेहोश हो जाता है। तो बोले लड़ने की जरूरत ही क्या है? धन्य है, देखो अद्भुत बात। और धन्य है एक बात और, हमें हमारे बहुत ही अच्छे दार्शनिक, हमारे प्रिय दार्शनिक श्री लाओत्से, लाओत्से चीन के दार्शनिक हुए, उन्होंने भी बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सुनो, हमें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। लोगों ने कहा पागल हो गया, दिखने में एकदम कमजोर, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, कैसे, हाउ पॉसिबल? लाओत्से कहता है, हमें इसलिए नहीं कोई हरा सकता क्योंकि कोई भी सामने आएगा, हम पहले ही हाथ जोड़ के कहेंगे हम भैया हारे हैं। और ज्यादा कहेगा तो लोग गिर जाएंगे, लो भैया हम चित्त डले, तुम जीते। अब बताओ दुनिया की कौन ताकत हरा सकती है? माई बाप, धन्य है ये जुगत। तो जुगत हनुमान जी के पास भी ऐसे ही बड़ी खतरनाक है। हनुमान जी ऐसी ऐसी जुगत बताते हैं, ऐसी ऐसी जुगत का प्रयोग करते हैं। इसलिए मेरे पागलो, बड़ा मलहरा के लोगों, जो हनुमान जी की साधना करता, हनुमान जी की पूजा करता, वो भी समस्याओं का समाधान जानने लगता है और समस्या का समाधान होने लगता है। इसीलिए हनुमान जी से पूछा कि आपके पास ये जुगत कैसे आई, क्या कारण है? तो बोले हमारा तो कोई कारण नहीं है। सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। श्री हनुमान जी कहते हैं हमारा प्रताप नहीं है। बोले किसका प्रताप है? हमारे हृदय में जो राम जी विराजमान है उन्हीं का प्रताप है।